चावल है पानी में डाल दिए और पता नहीं चावल का है, सिर्फ पानी नज़र आ रहा है। और ये हमारे किचन का हाल है, ज़रा ये देख ले भाई, ये किचन का हाल है। हॉस्टल में किचन इस तरह का होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने हॉस्टल में रमज़ान का रूटीन शेयर करूंगा। बाहर से तेज़ तेज़ हंसी की आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि यहाँ पे जो कमरा है इस साइड पे, इसमें दो तीन लड़के इतने ज़्यादा जो है वो शोर करते हैं, इतना ज़्यादा। आज का जो व्लॉग है रमज़ान का, जो रूटीन है कि हम सहरी कैसे करते हैं, इफ्तार कैसे करते हैं, रोज़ा हमारा कैसे गुजरता है। रात के एक बजे ने आ क्या है बंदे, सबसे ज़्यादा शोर ये हाथ में क्या लिया हुआ है, दो रहे हो तुम रुपये आवाज़ देख रही। अभी बाहर जा रहे हैं पराठे लेने, आका सुनसान पड़ा हुआ है। से क्या रहा घूम रही लरा वाली, क्या कर रहे हो और तरह वाली, ओ भाई क्या क्या कर रहे हैं, ये टाइम है निकलने का। ये जो बच्चे हैं ये आज गांव जाएंगे, ये गांव जा रहे हैं। खुश है, खुश हो नहीं तुम, खुश हो नहीं। Thousand years later. जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्लास के लिए थोड़ा सा लेट हो गए, 9:07 पे जो है वो गेट बंद होता है, 9 बजे पे सॉरी, और अभी 9:07 है। सी आर साहब, तुम लेट हो गए यार। अनी यार 9:09 रात को सोए नहीं थे ना यार, स्टिल तो ये रहा तुम्हारा, रात ही 7 मिनट लेट हुआ, इससे ज़्यादा 9 मिनट आप लेट हुए तो आपके कुछ जुर्माना होना चाहिए ना। अच्छा बाद में लगाए, अभी नहीं। One eternity later. अभी कॉलेज से आए हैं, अभी नमाज पढ़ेंगे और फिर सोएंगे। फिर कुछ 5:30 या 6 बजे उठ के इफ्तारी की तैयारी करेंगे। तो अभी सोने का टाइम है, 346 मिनट्स लेट। उठ जाओ, उठ जाओ भाई, कुछ धोने में लगा हुआ है, क्या धो रहे हो भाई। तो अभी अजान होने में कुछ आधा घंटा है तकरीबन, इफ्तार की तैयारी कुछ ना कुछ करते हैं आज, मेरे ख्याल से बाहर से तैयार लाने हैं सब कुछ। जो है वो बंदे कुछ गए हुए कहाँ, तो घर गए हुए ना। अच्छा, तो हॉस्टल में कम है, बंदे कम है, तो इसलिए सब इकट्ठे बैठे हुए। इनकी तरफ करे जरा भाई मुंह, मेरे क्या कैमरा कौन है, दिलीप कुमार कहाँ से आया है, सिंध से आया है।